बिजनौर में बोले मुख्तार अब्बास नकवी, पीएम मोदी ने परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिश्रम के परिणाम से परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2024 के लिए विपक्ष से 3 दर्जन से अधिक चेहरे प्रधानमंत्री पद पर निगाहें गड़ाए हुए है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को नजीबाबाद के जोगीरामपुरी दरगाह की जियारत के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह आलिया नजफ ए हिंदू जोगीरामपुरी की जियारत कर चादर चढ़ाई। मीडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि 2024 के लिए विपक्ष से 3 दर्जन से अधिक चेहरों की प्रधानमंत्री सीट पर निगाह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिश्रम के परिणाम से परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त कर सर्व समाज हितों की रक्षा के लिए काम किया है और देश को बहुमुखी विकास दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का विकास नरेंद्र मोदी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत का नतीजा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर राजनीति के शुद्धिकरण का संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने 2024 चुनाव में 300 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार केंद्र में मोदी नेतृत्व सरकार बनने का भी दावा किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की पार्टी से मोहल्ले की पार्टी बन चुकी है, जिसके अंदर ना कोई मोल है और बाहर ना कोई भाव है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विकास योजनाओं की चर्चा में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रदेश सरकार ने आखिरी पायदान के व्यक्ति को विकास देकर विश्वास बनाया है। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का दरगाह पहुंचने पर स्वागत किया।